हेलो फ्रेंड, मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आपका प्रीति किचन में। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ी। तो अगर आपको चिकन खाना पसंद है तो आपको आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है चिकन, 700 ग्राम है। पहले हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं 1 से 1.5 चम्मच नमक, और आप चाहे तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हल्दी नहीं डाला है इसमें। तो हम इसमें नमक डाल के इसे हाथों से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम 4 से 5 बार पानी से इसे धो लेंगे। नमक डालने से इसमें जो थोड़ा सा ब्लड ब्लड जैसा लगा रहता है ना, वो सब बिल्कुल साफ हो जाता है। तो चलिए इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने चिकन को अच्छे से धो लिया है। अब इसे रख देंगे हम साइड में। अब हम ले लेंगे 6 से 7 प्याज मीडियम साइज का, और इन सबको हम लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। ये करीब 400 ग्राम प्याज है। तो ये देखिए, मैंने सभी प्याज को बारीक काट लिया है, और एक प्याज मैं बचा लूँगी, उसे मसाले के साथ मैं पीसूँगी। अब हम प्याज को रख लेंगे एक प्लेट में, और इसका लेयर थोड़ा सा हम अलग अलग कर देंगे, इससे प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और हमें ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना पड़ता है। तो ये देखिए, मैंने सभी प्याज का लेयर अलग कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में, और हम तड़के के लिए ले लेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 2 से 3 तेज पत्ता और 3 से 4 लाल मिर्च सूखी वाली। अब गैस पे हम एक कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई मैंने पहले से रख दिया था, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब उसमें हम डाल देंगे 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल, और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, क्योंकि सरसों तेल का जो स्मेल होता है ना, वो निकल जाता है ज़्यादा गर्म करने से। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा और तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च, इन सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, और प्याज को भी हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो ये देखिए, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे चिकन, और इसे मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ, और चिकन को हमें थोड़ा देर के लिए भूनना है। तो मैंने हाई फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। तो हल्दी हमें ज़्यादा चिकन में यूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा हल्दी मैंने डाला है, 1/2 छोटी चम्मच। इसके बाद हम हल्दी नहीं डालेंगे, और हल्दी को चिकन के साथ अच्छे से पका लेंगे। चिकन हमारा थोड़ा सा भुना रहा है, तब तक हम मसाले पीस लेते हैं। ये मैंने लिया है 15 से 20 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 प्याज, 1 चम्मच मैंने लिया है जीरा, 20 से 25 काली मिर्च, और ये कुछ खड़े गर्म मसाले हैं। तो उसमें लिया है मैंने 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 लौंग और थोड़ी सी जावित्री और दालचीनी, इन सबको इसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो मसाला हमारा पिसा गया है, अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, चिकन भी बहुत ही अच्छे से भुना गया है, देखिए किनारे से तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम ये मसाले डाल देंगे जो मैंने पीस के रखा था, और बाकी के मसाले को भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसे भी हम चिकन में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे एक बार। उसके बाद हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सभी चीज़ मैंने पीस लिया था, बस धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर नहीं पीसा है। तो मैंने 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्ची, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और स्वाद अनुसार नमक मैंने डाला है। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मसालों को मैंने चिकन के साथ मिक्स कर दिया है। अब इसे हम ढक देंगे, और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। ये देखिए, मैंने 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को भून लिया है। तो मसाला भी बहुत ही अच्छे से पक गया है। उसमें हम डाल देंगे अब पानी डाल देंगे। तो मैंने गर्म पानी डाला है इसमें। गर्म पानी डालने से कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है।
जो चिकन का या सब्जी का जो कलर होता है ना वो बरकरार रहता है। तो आप कभी भी गर्म पानी का ही यूज कीजिए सब्जी में या चिकन में। तो मैंने पानी डाला है 1 से 1.5 गिलास और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप भुना हुआ चिकन भी खा सकते हैं। गैस का फ्लेम बंद कर दें, चिकन को भून के उसमें पानी मत डालिए। तो मैंने चावल के साथ बनाया है तो इसलिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। पानी को भी मैं अच्छे से पका ली हूँ। तो ये देखिए हमारा चिकन बन के तैयार हो गया है। आप इसे रोटी, चावल या जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है और यकीन मानिए आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। तो एक बार इस तरह से चिकन कढ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको चिकन बनाने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे